अगर आपको भी गेमिंग करनी है बट राइट नाउ ग्राफिक्स कार्ड लेने का बजट है नहीं, तो आज आपके साथ लाए हैं वन ऑफ द बेस्ट इस प्राइस सेगमेंट में पॉपुलर रेनाउंड एपीयू राइजन 550 600G इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ तो आ रहा है, पर इस प्राइस सेगमेंट में देखे तो हमें क्या ही गेमिंग करा के दे देगा जिस बेंचमार्क में हम सोच रहे हैं, जितना FPS हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना क्या भाई ये दे देगा या फिर नहीं दे पाएगा। इसके साथ बेस्ट मदरबोर्ड कौन सा जाएगा, अगर आप भी एक पीसी बिल्ड करने वाले हो पीसी बिल्ड के नजरिए से इस वीडियो को देख सकते हो, मेमोरी कौन सी बेस्ट रहेगी, साथ में बात करें पावर सप्लाई आज के हिसाब से और फ्यूचर प्रूफिंग भी करें, कल को इसके अंदर भाई आप ग्राफिक कार्ड भी लगाओगे तो वहां पे अपना कितने वॉट सफिशिएंट रहेगी 500 600 700। स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं 5600X और 5600G में मेजर डिफरेंस क्या है। जो अपना 5600G है वो कट डाउन वर्जन है 5600X का बोल सकते हो, डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड के साथ आता है ये अपना 5600X एंड ये अपना भाई साहब 5600G ये आ रहा अपना इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ। यहां पे आपको इसकी लेबलिंग देखने को मिल जाएगी, बड़ी बड़ी हाई एंड गेम्स के अंदर ट्रिपल ई टाइटल वाली गेम्स के अंदर 5600X के अंदर आपको देखने को मिलता है L3 कैश का सपोर्ट जो कि इसका सबसे बड़ा फ्लेक्स है, बट वही चीज आपको 5600G के अंदर आधी मिलती है, तो कंपैरिजन में भी आप सोच सकते हो परफॉर्मेंस में डिफरेंस तो आना ही आना है। 5600G स्लाइटली फास्टर है बेस फ्रीक्वेंसी पे अगर हम बात करें 5600X के कंपैरिजन में, बट बूस्ट फ्रीक्वेंसी में 5600X बाजी मार जाता है। एक लिमिटेशन है 5600G में जो मुझे लगा थोड़ा सा यहाँ पे बेटर हो सकती थी, इसके अंदर आपको PCIe 4 का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता, PCIe 3 तक लिमिटेड है, तो उस हिसाब से देखिए तो गेमिंग में तो सफिशियंट है PCIe 3 काम करेगा, बट आपको अगर अपग्रेडेशन वगैरह करना है फ्यूचर के अंदर मेमोरी में बात करो या फिर पावर सप्लाई वगैरह में तो वहां पे थोड़ा सा यार इनकेस प्रॉब्लम आ सकती है, बट राइट नाउ अगर आप यार इस टाइम पे सोच रहे हो कि हाँ ग्राफिक कार्ड अपने को भी लेना ही नहीं है, बजट इतना ही नहीं टाइट इतना बजट है तो कहां से लेंगे ग्राफिक कार्ड, तो उस केस में आपके लिए 5600G वन गो सॉल्यूशन हो सकता है। स्टार्ट करें मदरबोर्ड से तो इस टाइम पे आप में से काफी लोग गलती कर रहे होंगे ये सोच के कि भाई 5600G लगाया तो B550M क्यों ना ले लिया जाए या फिर B550 की कोई भी सीरीज, बट सिंपल सीधी सॉल्यूशन बताता हूं आपको, B450 आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा 5600G के साथ, जितना आप इसमें एक्स्ट्रा पैसा डालोगे उतना पैसा तो भाई आप डाल के एक्स्ट्रा 5600X ही ना उठालोगे भाई साहब, फिर मतलब क्या परफॉर्मेंस की बात रहेगी यार, फिर जितना आप यहाँ पे अपग्रेड कर रहे हो सीधा प्रोसेसर में ही अपग्रेड कर दो, मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा B450 के साथ जाओ, बट BIOS फ्लैशबैक जरूर देख लेना, यहाँ पे आपको MSI B450 गेमिंग प्रो भी देखने को मिल जाता है, ASUS का B450 प्लस 2 टफ गेमिंग वाला भी देखने को मिल जाता है, ये अपना फुल फीचर्ड मदरबोर्ड है, और ASUS का ROG Strix B450F गेमिंग, तो 450 वाली सीरीज के अंदर आपको बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ मदरबोर्ड देखने को मिल जाएंगे, वो आप लगाओगे तो डिसेंट प्राइस सेगमेंट में आपका 30-35,000 में बढ़िया पीसी बिल्ड हो जाएगा। मेमोरी में सिंगल स्टिक भी यूज कर सकते हो डबल स्टिक भी यूज कर सकते हो, 8GB लगा लो वरना 16GB में तो यार मोर देन सफिशिएंट काम एकदम जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि 16GB में छोटी गेम बड़ी गेम बड़ी से भी बड़ी गेम सारी गेमें चल जाती हैं। पावर सप्लाई की अगर हम बात करें तो राइट नाउ 5600G के साथ जो हमारा पीसी बिल्ड चल रहा है उसके अंदर तो 200-250-300 वॉट के अंदर अपना काम निपट जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि ग्राफिक कार्ड का तो भी नामो निशानी है, बट अगर आप फ्यूचर के अंदर ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करने वाले हो लाइक 3060 Ti, अगर मैं एक स्टैंडर्डाइज मिड रेंज आप GPU आपको लेके चलो तो वहां पे आपको 650 वॉट नहीं तो 600-550 तक तो आप मान के चलो इतना तो आपको सफिशियंट चाहिए चाहिए, बट अगर ये वाला कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हो 3060 Ti और साथ में फिर वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी एटलीस्ट 550 वॉट, बस 650 वॉट में तो यार बढ़िया काम निकाल के देगा, 3070 ले रहे हो तो वहां पे आप 650-700 तक जा सकते हो, बाकी 3080 ले रहे हो भाई वहां पे फिर आपको यार अपना जाना पड़ेगा 750 वॉट तक। अपने अगर मैं बात करूं CPU कूलर की तो इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने वाली चीज एज सच है नहीं, क्यों, क्योंकि अपना CPU कूलर अपना इनबिल्ट आता है तो यार इसी के साथ जाओ, मेरी प्रेफरेंस तो फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहेगी, बाकी अगर आपको थोड़ा सा मॉड्यूलेटेड चाहिए एक्सटर्नल परचेज करना है तो वहां पे आप 1500-2000 तक का आपको RGB स्ट्रिक्स के साथ बढ़िया बढ़िया डिसेंट भाई डीप कूल का लो या फिर बहुत सारी वाइड वैरायटी ऑफ CPU कूलर्स आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। SSD की बात करूं तो मिनिमम मैं लगा के चल रहा हूं 240GB तो डालोगे वहां पे अपना आ जाता है BX500 क्रूशियल की है 1200-1500 रुपए तक के आपको देखने को मिल जाएगी, बट अगर आपको थोड़ा सा अपग्रेड करना है तो यहाँ पे आप जा सकते हो 500TB के साथ वेस्टर्न डिजिटल की आती है SN550 NVMe SSD है, एंड ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी 5600G लेने के बाद कि PCIe 4 का आपको सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा, तो कंपोनेंट्स उसी के अकॉर्डिंग यूज करना। एंड लास्टली अगर हम बात करें तो वहां पे आता अपना PC केस कैबिनेट से अलग ही लुक बन जाती है, पूरी PC की लुक ही कैबिनेट से आती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो RGB भाई साहब पूरा PC बिल्ड कर रहे हो तो यार RGB कैबिनेट भी लेना ही पड़ेगा, तो Amazon के ऊपर आपको 2200-2400 तक रुपए में भाई भर भर के RGB लो भाई घुसेड़ दी RGB वोला काम कर दिया, तो बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ PC केस देखने को मिल जाएंगे कैबिनेट। राइट नाउ मैं अपना यूज कर रहा हूँ कैबिनेट अपना डीप कूल का मैट्रिक्स 55V3, ये अपना थोड़ा सा 1-2 हज़ार रुपया बोल सकते हो उसका एक्स्ट्रा होगा एड ऑन होगा, बट केस भाई साहब दिखने में डिसेंट लगता है मेरा भाई,
मिरर विरर टूट चुका है पूरा, ये पलट गया था भाई, तो कांच भाई चकनाचूर हो गया था। तो उस टाइम से अपना ऐसे ही भाई खुला छोड़ के चला रहे हैं, ठीक है। गर्माहट वगैरह भी कम होती है, तो उस हिसाब से देखें तो ये था अपना कंप्लीट पीसी बिल्ड अंडर 30 के, आप बोल सकते हो 30-35 तक जा सकते हो अगर थोड़ा सा अपग्रेड करना है कंपोनेंट्स के साथ। तो बस यार आज की वीडियो में इतने, वीडियो अच्छे तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इसी टाइप ऑसम टेक क्लिप्स के लिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, डू इट द थम्स अप। टिल देन बाय बाय।